है मेरी प्यारी फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं सब लोग? होप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और यार दोपहर का टाइम हो रहा है, मतलब जीनू को लेके आई थी मैं, उसके अंदर लंच वगैरह किया एंड उसके बाद ये अरबी के पत्ते रखे हुए थे। मतलब 2 दिन हो गए इनको रखे, उनका नंबर ही नहीं आ पा रहा, तो मैं सोचा चलो यार आज इनको धो धा के रखते हैं, आज इनका कुछ बनाते हैं, मम्मी को बोलूँगी बनाएंगे इनका। ओ भाई बादल आ गए, देखो बारिश होने वाली है, हवा चलने लगी तेज। भाई बारिश आने वाली है और जीनू मैडम अंदर सो रही हैं। मैंने वॉइस ओवर करके अभी शॉर्ट वीडियो अपलोड करी है, तो देख लेना भाई जाके। और पत्ते रख दिए, सूख गए पत्ते, पानी वानी इनका सब निकल गया। अब तो ये रखे हैं, शाम के टाइम पे बनेंगे, मम्मी आएंगी तो मम्मी बनाएंगी। मैंने तो यार कभी बनाए नहीं है, बट हाँ देखे हैं तो मम्मी के साथ लग जाऊंगी। बाकी मम्मी को बुलाया ना, मम्मी बनाएंगी। और भाई लेटने जा रही थी, इतने में मेरे को याद आ गई लिमका थोड़ी सी बची हुई थी, और ये काफ़ी दिन हो गए रखे, मतलब इसकी गैस जो है ना वो निकल चुकी है, गैस में रही नहीं है। बट मैंने कहा चलो भाई इसको फिनिश करते हैं, और इसमें नींबू वगैरह पुदीना डाल के और इसका मोहितो बना के और तब पीते हैं। तो मैंने इसमें नमक डाल लिया है और चाट मसाला डाल लिया थोड़ा सा, और बस ये बन के रेडी वगैरह। बहुत टेस्टी लगता है ऐसे बनाओ ना, बिल्कुल मोहितो का टेस्ट आता है इसमें। तो बस ये पिया, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी। लो भाई बेसन तो हो गया रेडी, मम्मी ने रेडी कर लिया बेसन। अरे शाम के टाइम पे बनने की हो गई तैयारी, मम्मी आ गई थी और मम्मी बना रही है यहाँ पे सारे, मतलब पत्ते तो वैसे सूख गए थे, धोधा के पहले रख दिए थे मैंने इसलिए। तो इसमें बस बेसन लपेट लपेट के एक पत्ते को बेसन लपेटा, फिर दूसरा पत्ता रखा ऐसे बारी बारी से, फिर रख रख के और फिर इसको रोल सा बना के, और फिर इसको पहले स्टीम करेंगे, उसके बाद कट करेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। इसमें बड़ा लफड़ा होता है भाई, पापा ज़्यादा लाए नहीं थे, अच्छा हुआ क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाते नहीं, इतना ज़्यादा पसंद नहीं है मतलब मेरे को हस्बैंड को, बट ये है कि बनते हैं तो खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पसंद नहीं है, बनते हैं तो खा लेते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस इनको बेसन लगा ला के हम लपेट देंगे और फिर इनको फ्राई कर लेंगे, तो ये एज अ नाश्ते के तौर पे मतलब हम लोग खा लेंगे। कई लोग इसकी सब्जी भी बना लेते हैं, चने की दाल डाल के ही बन सकता है, ये साग की तरह अरबी के पत्ते जो है ना कट करके ही बन सकते हैं, और अलग अलग तरीके से बनते हैं, काफ़ी जगह सबका अलग अलग तरीका होता है। तो हम लोग तो मोस्टली ऐसे ही बनाते हैं, तो मम्मी ऐसे ही बना रही है इनको, अब स्टीम करेंगे इनको। मैंने लकड़ी वकड़ी काट के इनकी रखती आ रही थी, और बस थाली छोटी पड़ी थी तो मम्मी ने बड़ी थाली फिर ले ली, उस पर रख के पत्ता आराम से, क्योंकि बड़े बड़े पत्ते थे इसके, और पत्ते भी यार ख़राब नहीं हुए, सही बने रहे, मुझे लगा ख़राब ना हो गए होंगे, 2-3 दिन हो गए थे रख के रखे। तो भाई इसको रख दिया बनने के लिए, अब ये स्टीम होगा, उसके बाद फिर इसको फ्राई करेंगे बाद में। टाइम हो चुका है 5:30, तो चाय का टाइम हो गया, चाय बनाते हैं। इस साइड में लाइटिंग अच्छी नहीं आती, मुँह कैसा हो गया, मैं सो गई थी, मेरा मुँह कैसा हो गया, और बारिश कुछ नहीं, बारिश ने धोखा दे दिया, बस मौसम होके रह गया। चलो चाय पीते हम लोग, बारिश तो हो ही नहीं थी यहाँ पे। चाय बनाऊँ मैं अभी? रुक जाओ, देखो ये स्टीम हो चुके हैं और अब इनको किया जा रहा है कट। और अब इनको करेंगे फ्राई करेंगे। ये पत्ते कब के लाए थे पापा? इनका नंबर आया आज। इसमें तेल लगाना है हमें, बस यार यहाँ पे फ्राई तो होने के लिए रख दिए हैं, जीरा हींग
और राई वगैरह डाल के वो फ्राई कर दिए हैं। ऊपर से डाल दिया सारा मसाला, हल्दी मिर्च, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, नमक जो भी होता है सब कुछ ऐड कर दिया था मसाला। और इनको बस फ्राई कर रहे हैं अच्छे तरीके से। जब ये करारे करारे से हो जाएंगे ना तब फ्लेम जो है ऑफ़ कर देंगे। तो इतने मैंने जो सारे बर्तन थे वो मैं धो धो के रखती जा रही थी, उनको पहुँच पहुँच के रख देते हैं। अपना जो काम है वो समेटते रहते हैं साथ के साथ में ही। बर्तन मुझे पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़े से बर्तन होते हैं ना मैं तुरंत धो के रख देती हूँ, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है बर्तन पड़े होते हैं ना सिंक भर जाती है, इसलिए कभी सिंक भरने ही नहीं देती हूँ मैं, पहले ही धो के रख देती हूँ बर्तन। तो बस यहाँ पे साथ के साथ चलाते आ रहे थे हम लोग। और उसके साथ ही मैंने फिर रात के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि खाने का भी टाइम होता ही जा रहा था। पापा भी आने वाले थे ऑफिस से, तो मैं सोचा चलो यार साथ के साथ मैं ये भी कर देते हैं। अब तक वो बन रहे हैं, घिया की दाल बननी थी आज, तो बस मैं यहाँ पर घिया को छील के रख देती हूँ अब तक काट कूट के, उसके बाद फिर ये बन जाएंगे। जब तक अरबी के पत्ते के जो बन रही है पतौड़ी, पता नहीं यार क्या अलग अलग नाम होते हैं इनके, तो ये खाएँगे, उसके बाद फिर खाने की तैयारी में लगेंगे। तो यहाँ पे देखो बन के हो गए रेडी, ये बड़े मस्त बने थे, खट्टे खट्टे से करा दे। हाँ। वो का मम्मी ने निकाल दिया, हाँ इनको थोड़े तो ये भी आ गए ऑफिस से भाई साहब, चम्मच तो ऐसे खा लेंगे। बढ़िया लग रहा है, मैं खट्टा करता हूँ। चाय बनू? जीनू देखो, जीनू देखो चिज्जी बन गया, देखो 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 चिज्जी बन गई। ले लिया आपने? मैं और लेता खा के देखो बेटू, इधर आओ चले जाना। तो यार यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और जीनू मैडम को बहुत बोला बट उसने खाए नहीं, चेक ही नहीं करे, उसने खा के नहीं देखे बिल्कुल भी। बाहर की चीज़ होती है ना तो बच्चे तुरंत खा लेते हैं, और घर में कुछ बनाओ ना ऐसा तो इनका मुँह ही नहीं चलते, इनके मुँह में मतलब चलता ही नहीं कुछ ऐसा। खाने पीने के बाद फिर भाई मैं लग गई हूँ खाने की ही तैयारी में। तो ये घिया और चने की दाल मैंने धो ली थी, पहले ही धो के रख दी थी, और अब इसको डाल देते हैं पानी में, बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने के बाद फिर बाद में तड़का लगाती हूँ मैं, तो बस हल्दी नमक डाल के ही बॉईल कर लेंगे और फिर उसके बाद में तड़का लगा दूँगी। तो ये दाल जो है बन के हो जाएगी रेडी। इसमें डाल दूँगी हरी आमी, थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है, बट ये हरी आमी हल्की सी मीठी थी और मैंने डाल दिया, और बाद में नींबू भी निचोड़ दिया था तो उससे बैलेंस हो गया सब कुछ। तो दाल तो बन के रेडी हो गई है, तैयारी सब हो चुकी है खाने की। क्या खेल ले हो? वो देखो, लाओ और दो बॉल दो मेरे को सारी। किट्टू का एक भी नहीं जा रहा। अरे गए, मेरे ही तो गए हैं दोनों। अच्छा, चीटिंग करके डाल देती है ना, जीनू को पता नहीं है चीटिंग नहीं का इसके लिए। पापा मेरे को जा रही ताकत है, सारे पीछे जा रहे हैं। क्या हो गया? तो यार ये लोग खेले थे मिनी बास्केटबॉल, जो कि जीनू को गिफ्ट में मिली थी, आपने देखा ही था लास्ट ब्लॉग, नहीं देखा तो देख लेना। जीनू के लिए छवि लेके आई थी उसका गिफ्ट, तो यही सब लोग बैठ के खेल लेते आराम से, उसमें बॉल डालते हैं बास्केट में। तो जीनू जो है वो चिढ़ रही थी क्योंकि किट्टू बॉल डाले आ रहे थे और वो थी पापा की साइड में अपने, तो इसलिए उसको चिढ़न हो रही थी। और उसके बाद यार सब लोग खा चुके हैं खाना, खा के चले गए मम्मी पापा, हस्बैंड ने भी खा लिया है, और मैंने अपने लिए खाना जो लगा लिया, थाली लगा लिया। इधर आके देखा तो इधर जीनू मैडम अपनी बुक खोल के बैठ गई हैं, हस्बैंड लेके आए थे प्रिंट आउट, क्योंकि जीनू को होमवर्क में मिला था फैमिली फ़ोटो वगैरह लगानी थी, तो बस वही कट करके उसको चिपकाना था। तो सारा सामान वामान मैंने हटाया, उनका बेटा पहले खाना खा लो उसके बाद फिर ये सब करना, पहले काम लेके बैठ गई हो। तो बस यहाँ पे चिपका देंगे उसका प्रिंट आउट और मैं खा लेती हूँ खाना। तो ये
ये पापा लेके आए थे यार फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह लाते ना पापा, तो सब्जियाँ तो सब मैंने रख दी थी, फ्रूट्स मैंने सोचा चलो इनको धो के वॉश करके उसके बाद फिर फ्रिज में रखते हैं, तो बस यहाँ पे धो लिया था। और जो बर्तन हैं बर्तनों को भी लगाने, मेरे को भी बर्तन भी धो दिए थे, थोड़ा सा पानी निकल जाए उसके बाद फिर मैं इनको भी पोंछ के और फिर लगा दूँगी। तो यहाँ पे जो सारे फ्रूट्स हैं ना इनको लगा देते हैं। और लगे हाथ मुझे फिर लीची भी दिख गई थी, तो लीची मैंने निकाली है कि मैंने कहा इनको खाने के लिए दे देती हूँ, हस्बैंड को और जीनू को अंदर खाते रहेंगे, और जो अभी पापा लेके आए लीची उनको भी निकाल निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना उनमें लीची में कूड़ा तो ज़्यादा होता है और जो खाने का आइटम होता है वो कम निकलता है, तो इसलिए। और यार ख़राब भी जल्दी होने लग जाती हैं आजकल ना, क्योंकि पानी में भिगो के रखते हैं ये लोग, तो लीची बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए मैं छांट छांट के इनको देख देख के और निकाल निकाल के रख रही थी। लकड़ी वकड़ी कितनी सारी होती है ना लीची में, मतलब बड़ा वो होता है, चढ़ती कम है और पता भी नहीं चलती कहाँ चली गई ना खाने में तो बस इनको निकाल के रख देती हूँ। और जो पुरानी वाली लीची तो इन दोनों को दे दी थी, हस्बैंड को जीनू को, उन्होंने खा ली थी। और यहाँ पर देख देख के मैं रख रही हूँ इन सब को, कूड़े को फेंकते हैं अलग, फ्रिज में थोड़ी जगह भी बन जाएगी। और बस यार सारा काम समेटने के बाद मैंने बर्तन वर्तन भी पोंछ के रख दिए हैं, और आज का दिन भी जो है निकल गया है भाई ऐसी काम करते करते। और बस अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ब्लॉग को शेयर कर देना, चैनल पे आ रहे हो नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड आपसे मिलते हैं कल दोबारा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।